नमस्कार, बारहमासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं और मनमीत इस समय ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर, और ये है भाणा पास की सड़क। ग्रेफ के एक ट्रक में इस समय हम लोग सवार हैं और सामने बहुत ब्यूटीफुल सी एक लेक है, जिस लेक का नाम है मनमीत देवताल लेक है। अभी आपको लेक के बारे में भी बताएंगे और डिटेल में ये भी बताएंगे कि यहाँ के उत्तराखंड की संस्कृति से, यहाँ के कल्चर से, यहाँ के समाज से इस लेक का कैसा सीधा सीधा संबंध है। और जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है वो जगह है देवताल, उसके पास में गाड़ी खड़ी की है। और ये अब हम जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं इसकी हाइट है लगभग 5584 मीटर। 5584 मीटर। और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये पास जो है खारदुंगला पास, जो हमको मिलता है लेक से और नुब्रा वाली वैली में, उससे ऊंचाई पर ये पास है। और हमारे पीछे जो आपको अगर इस वाइड एंगल में वो पहाड़ दिख रहे होंगे, तो जो ब्लैक कलर के आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं वो चाइना है। मतलब ये यहाँ इंडिया की लास्ट पोस्ट के पास हम लोग अभी जाने वाले हैं। और कौस्तुभ इस वाइड एंगल में दिखाना एक बार हमारी ऑडियंस को, ये दिखाना कि ये लैंडस्केप पूरा कैसा है। तो ये आप देख रहे हैं बर्फों बर्फ से घिरे हुए जो पहाड़ हैं उनके बीच में बसी हुई एक बहुत खूबसूरत लेक है, जिसके नजदीक से भी विजुअल हम आपको दिखाएंगे। मनमीत, इस लेक के बारे में थोड़ा पहले अपनी ऑडियंस को बताते हैं। राहुल, ये देवताल है और सरस्वती नदी का ये उद्गम भी है। सरस्वती नदी जो नीचे माणा गांव से अलकनंदा में मिलती है, वो इसी ये नदी उसका ओरिजिन भी है, उसका ये ओरिजिन है। दूसरी बात ये है कि देवताल भारत के सबसे हाईएस्ट तालों में जो ग्लेशियर लेक है उसको मानी जाती है, हाईएस्ट हिमालयन लेक्स में से एक है। हाँ, और ये इस ताल का एक महत्व ये भी है, बल्कि इस पूरे रूट का ये महत्व है कि माणा के लोग जो पहले तिब्बत के लिए व्यापार के लिए जाते थे, इवन कि पंडित नैनसिंह रावत भी इस रूट से तिब्बत का लासा गए हैं, और इसी रूट से वो लोग पहले ज्ञानमा और पूरन ताकलाकोट मंडी तक जाया करते थे। और ये देवताल है, ये देवताल बेसिकली माणा गाँव वाले यहाँ पे अपने पितरों को पूछते हैं। पहले ऐसा होता था कि कई सारे ट्रैवलर या यात्री या व्यापारी यहाँ से जाते थे और कहीं वापस नहीं आ पाते थे, उसमें अधिकांश माणा गांव के लोग जो व्यापारी होते थे वो अपने मित्रों को फिर यहाँ पे पूछ देते थे। और इससे 2.5 किलोमीटर आगे ही माणा पास है, जो भारत में पहले नंबर वन में था सबसे हाईएस्ट मोटरेबल, लेकिन अब इसके बाद एक नॉर्थ ईस्ट में कुछ पासेस बन चुका है, तो अब ये सेकेंड लार्जेस्ट सबसे हाईएस्ट पास है। और ऑक्सीजन की यहाँ पे बेहद कम ऑक्सीजन है, क्योंकि 5584 का मीटर की हाइट है, तो हमें भी ऑक्सीजन देने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और जैसे मनमीत ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई, आप लोगों के साथ में शेयर की। ज्ञानिमा मंडी के बारे में जैसे जो अभी जिक्र आया, पंडित नैन सिंह के बारे में विस्तार से एक प्रोग्राम हमने किया है, जिसे आप विरासत सेक्शन में देख सकते हैं। और वो जब ट्रेवल करने आए, उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि तिब्बत को दुनिया के नक्शे पे लाने वाले व्यक्ति पंडित नैन सिंह थे, और वो कभी उनके कदमों की पच्चाप कभी इस रूट पर पड़ी थी जहाँ से हम लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं। ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इन द वर्ल्ड। और स्वाभाविक ही होता है मनमीत कि एशिया की जो हाईएस्ट रोड होती हैं वो दुनिया की ही हाईएस्ट होती हैं, क्योंकि सबसे ऊंची जो पहाड़ी दर्रे हिमालय, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पिक्स वाला एक रेंज है। हाँ। और क्योंकि अल्पाइन जो है वो उसकी हाईएस्ट पीक 2200 मीटर 2300 मीटर तक ही है। आल्प जो है पतले हैं, इंडीज जो है वो इतने ऊंचे नहीं हैं। जबरदस्त झटके लगा है। और सैल्यूट करते हैं हम लोग, ये देखिए ग्रेफ का ये ट्रक है जो इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में, ये भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब बिहार के मूल रूप से रहने वाले हैं, और यहाँ पे आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नंदकिशोर सिंह। नंदकिशोर जी यहाँ पे हैं, पिछले 1.5 महीने से नंदकिशोर जी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आपका क्या मुख्य काम है? मेरा काम है ये लेबर लेके आए हैं, स्वेलिंग करवा रहे हैं, स्वेलिंग करवा रहे हैं रोड को। तो अगले साल तक ये रोड मेटल्ड हो जाएगा? हाँ, अगले साल हो जाएगा, अब काम बंद हो जाएगा अक्टूबर तक में। हाँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट बार अप्रैल से शुरू होगा। अच्छा, तो ये यहाँ तक कालीकरण हो जाएगा।
हो जाएगा। तो अभी ये जो देवताल तक तो बहुत अच्छी सड़क बन चुकी है, सिर्फ उसके कुछ पैचेस खराब हैं, और जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि लेबर लगी हुई है, लेकिन थोड़े टाइम बाद बहुत बर्फबारी हो जाती है, इसलिए वापस लेबर को नीचे जाना पड़ता है। लेकिन अगले साल फिर से मार्च अप्रैल से लगभग अप्रैल से अगले साल फिर से काम शुरू होगा, और तब शायद यहाँ तक पूरा हमारा माणा पास तक मेटल रोड हो जाएगी। अच्छा मनमीत, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम ऑडियंस को ये भी देते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि यहाँ तक आम नागरिकों को आने की अनुमति नहीं है। राहुल, सबसे पहले जो बद्रीनाथ आते हैं, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माणा है, माणा के पास यहाँ आने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से और सेना से, और इवन की ITBP से भी, और उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे लेह में आपको इवन आसानी से पासेस मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि तो ये सबसे ज़्यादा हाइट में है, मौसम का दिक्कत है और रोड्स की दिक्कत है, और ऑक्सीजन की फिजिकल फिटनेस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। और मैं सबके पीछे ये भी बोलना चाहता हूँ कि हम सैल्यूट करते हैं अपनी देश की सेना को और ITBP के हिमवीरों को, कि हम तो यहाँ पे चलो आए और यहाँ से सेफली चले भी जाएंगे, क्योंकि अब हम ग्रेव के ट्रक में हैं तो हमें वापस भी देवताल तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये लोग 12 महीने यहाँ पे रहते हैं, जो आप अभी देख रहे हैं ये 12 महीने बर्फ, ये 8 महीने कम से कम जगह रहते हैं, सितंबर अक्टूबर में के में ये बिना उसके बर्फ़ के रहता है, बाकी ये अक्टूबर से मिड अक्टूबर से यहाँ पे पूरा हिमाच्छादित हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा इलाका बहुत ही डिफिकल्ट होता है रहने के लिए। तो हम अपने हिमवीरों को और सेना के जवानों को सैल्यूट करते हैं। और ये जो पीक्स आप देख रहे हैं, एक बार कौस्तुभ वो पीछे पीक दिखाइएगा, वो जो पीक है उस पर पेट्रोलिंग के लिए हमारे फौजी जवान रोज उस पर पेट्रोलिंग के लिए ऊपर पहुंचते हैं और वहां से पेट्रोलिंग करते हैं। तो जो हिमालय के जो रक्षक हैं उनकी नज़र हमेशा हमेशा जो है हमारे आसपास के देशों में बनी रहती है और हम महफूज रहते हैं। अभी हमने आपको जैसे बताया कि यहाँ तक अगर आपको आना है, आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं या कहीं बाहर के भी रहने वाले हैं, तो आपको जोशीमठ SDM से परमिशन लेनी होगी, वहाँ एक एप्लीकेशन देनी होगी, और उसके बाद जो लोकल इंटेलिजेंस है उसकी एक रिपोर्ट मांगी जाती है। लोकल इंटेलिजेंस अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट देती है कि आप जाने के लिए कोई आपके ऐसे कोई ऐसे ऑब्जेक्शन अगर LIU को नहीं होते हैं, तो आप लोग फिर उधर आपको यहाँ आने की परमिशन मिल जाती है, उसके अलावा कुछ मेडिकल परमिशंस, और फिर क्योंकि मौके पे ITBP है और इंडियन आर्मी है तो उनसे भी आपको परमिशंस लेनी होती हैं। और लेफ्ट साइड पैन करके कौस्तुभ आप दिखाइए कितना ब्यूटीफुल ये रेंज आप देख रहे हैं इस समय, और आसमान में बादल हैं लेकिन उसके बीच में जो आपको जितने भी पैचेस में वो ब्लू दिख रहा होगा, उस नीले रंग को देखिए कि बिना किसी इंस्टाग्राम फिल्टर के इतना नीला आसमान अगर आपको कभी देखना है तो आपको इस हाइट पे आना पड़ेगा। और मनमीत, अगर ह्यूमन हैबिटेट की बात करते हैं कि आखिरी गांव जैसे हमने देखे कि उस तरफ नीति और इस तरफ माणा है, तो एक अंदाजा ऑडियंस को देते हैं कि ह्यूमन हैबिटेट कहाँ खत्म हो जाता है और हम हैबिटेट से कितना आगे हैं। देखिए राहुल, अगर हम नीति घाटी की तरफ जाएं जोशीमठ से, तो नीति जो गांव है जोशीमठ से 85 किलोमीटर दूर, नीति तक आखिरी बसासत है, हालांकि नीति के आगे भी हम इंडियन आर्मी और ITBP की चेक पोस्ट है, लेकिन बसासत केवल नीति तक है। और अगर हम माणा घाटी की तरफ जाएं तो माणा तक बसासत है, जो कि बद्रीनाथ से केवल 3 किलोमीटर आगे है, और उसके बाद कोई बसासत नहीं है। इसके बाद आपको 54 किलोमीटर माणा से माणा पास देवताल पड़ता है, और वहाँ से देवताल से 3 किलोमीटर आगे माणा पास है, और उसके बाद तो फिर चाइना है, उसके बाद सीधे चाइना। और देवताल के आपको जब क्लोज के विजुअल्स दिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि वो कितनी खूबसूरत लेक है। देवताल में जैसा मनमीत ने जिक्र किया कि जो भोटिया कम्युनिटी जो माणा गाँव में रहा करती है, और सेमी नोमैडिक ट्राइब उसको कहा जा सकता है, क्योंकि 6-6 महीने में वो लोग माइग्रेट करते हैं, 6 महीने के लिए माणा रहते हैं और 6 महीने के लिए लोअर एरियाज में चले जाते हैं। तो जैसा मनमीत ने भी जिक्र किया कि वो पितृ पूजा के लिए, पितृ विसर्जन के लिए या अपने पितरों की पूजा के लिए इस ताल में आया करते थे, लेकिन 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ तो उसके बाद से उन लोगों को वहां तक आना भी रोक दिया गया था।
उन्हें भी परमिशन उसके बाद नहीं दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से मनमीत पिछले साल से शायद। हाँ, मेरी माणा गांव के जो प्रधान है पीताम्बर सिंह मोलपा जी, उनसे बात हुई थी तो पिछले उन्होंने बताया था कि 1962 के बाद उन लोगों को पिछले साल ही 2021 में मौका मिला और भारतीय सेना ने उनको परमिशन दी कि आप अपने पितरों को अब कम से कम 48 साल बाद यहाँ पे पूछ सकते हैं। और इस साल भी वो यात्रा होगी, अब नवंबर अक्टूबर में उस यात्रा को होनी है और शायद वो हर साल अब यात्रा होगी, लेकिन 48 साल बाद माणा गांव के लोगों को इस देवताल की तरफ आने का अवसर मिला और अपने पितरों को परमिशन मिला। ये देखिए ग्रेफ के ट्रक्स यहाँ पे लगातार आपको दिख रहे होंगे, काम लगातार अभी चल रहा है इस रोड को और भी बेहतर बनाने का। और फाइनली हम लोग कुछ परमिशंस लेने के बाद आप फाइनली इस एरिया तक आसानी से आ सकते हैं, जहाँ से आपको हमारे शूरवीर जवान दिखेंगे और सामने चाइना के एरियाज दिखेंगे। और चलिए आगे के सफर में भी आपको कंटिन्यू करेंगे और कुछ और डिटेल में आपको बताएंगे। अभी हम ट्रक से उतर रहे हैं और माणा पास के उस पॉइंट पे हम लोग लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो कंटिन्यू रहेगी ये यात्रा, आप आगे देखते रहिए। ये फाइनली हम पहुंच गए हैं माणा पास, इनफैक्ट माणा पास से भी हम थोड़ा आगे आए हैं। और लगभग कितनी हाइट पे मनमीत अब हम हैं? इस समय हम 6000 के करीब हाइट में हैं, क्योंकि माणा पास जो था वो 5824 के करीब था। हाँ। और इस समय हम माणा पास से आगे 6000 के हाइट में हैं। अभी एक पीछे आपको एक बोर्ड भी दिखाएंगे जिसपे हम उससे आगे आ चुके हैं, क्योंकि उस बोर्ड पे जो हाइट लिखी है वो लिखी है 18,000 कुछ फीट, उस पर लिखा था माणा पास का हाइट, और हम माणा पास से भी थोड़ा आगे हैं। ये इस फ्रेम में अब आपको हमारे पीछे जितना कुछ भी दिख रहा है वो सारा चाइना है, बीच में थोड़ा सा नूमैंस लैंड है और भी बाकी चाइना। यहाँ पे इनफैक्ट वो नूमैंस लैंड भी बहुत कम है क्योंकि दोनों तरफ की पेट्रोलिंग बिल्कुल बॉर्डर ऑलमोस्ट बॉर्डर तक। हाँ, यहाँ पे एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे आप कुछ मीटर आगे तक चाइना की तरफ भी जा सकते हैं और चाइना वाले भी कुछ मीटर भारत की तरफ आ जाते हैं, मतलब ऐसा कोई डिस्प्यूटेड वो नहीं है। एक तरह से दोनों तरफ म्यूचुअल समझदारी है कि आप अब मतलब थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है इसलिए बोलते हुए सांस अटक रही होगी। जब हम वहाँ पे गए तो उस समय वहाँ पे एक पिलर है जहाँ पे चाइना की तरफ रेड, उन्होंने अपना लाल PLA क्योंकि तो पीपल लिब्रेशन आर्मी ने अपना रेड वो कर रखा है और भारत की तरफ सफ़ेद है, तो वो पिलर ही जो है लास्ट डिमार्केशन है, वो बॉर्डर है, चाइना है उस बॉर्डर की इस तरफ। और वो मतलब वो जो पिलर है वो हार्डली यहाँ से 200 मीटर भी आगे नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमने जानबूझ के सिक्योरिटी रीजन से कुछ विजुअल्स नहीं लिए हैं, लेकिन एक पिलर है उसको बाद में आपको स्टिल इमेजेस में हम आपको दिखा देंगे, वीडियोज हम लोग वहाँ पे शूट नहीं किया है। और इसके पीछे जितना भी कुछ आप देख रहे हैं ये सारे माउंटेन्स जो है ये इनको चाइना इनको क्लेम करता है और इस तरफ इंडिया, और वो जो पिलर है उससे बमुश्किल 100 मीटर आगे ही उनकी रोड स्टार्ट हो जाती है और हमारी सड़कें जो हैं पिलर के इस तरफ तक हैं, जहाँ पे हम अभी चल रहे हैं ये हमारी सड़कें हैं। और इसी को माणा दर्रा जो है वो इसी को कहा जाता है, इसी दर्रे को पार करते हुए कभी हमारे यहाँ से ट्रेडर्स जो है वो तिब्बत की मंडियों में जाया करते थे। 62 से पहले यहाँ अच्छा व्यापार हुआ करता था और उसी के कारण नीति माणा घाटी के जो लोग हैं बहुत संपन्न समृद्ध लोग हुआ करते थे, जोहार घाटी के लोग, या आगे जाके सब लोग ताकलाकोट मंडी में मिला करते थे। और कौस्तुब लेफ्ट साइड पैन करके और एक बार वो जो ताल जो है फ्रेम में ऑडियंस को दिखाइए, ये 2-3 छोटे ताल दिख रहे हैं, संभवतः इन्हीं में से एक मनवी छह परिताल है। हाँ, ये परिताल है, बीच वाले ताल का अभी पता नहीं है, उसके आगे देवताल है, फिर ये 3 ताल एक के बाद एक, वैसे तो ताल आगे भी है लेकिन वो छोटे ताल है थोड़ा, लेकिन ये 3 ताल काफी बड़े हैं। तो यही ये रोमांच आप महसूस कीजिए दुनिया के सबसे ऊंची मोटरेबल रोड पर होने का। इसके अंदाजा लगाने के लिए कि हम अभी कितनी हाइट पे हैं, आप ये लगाइए कि
जो लोग स्पीति वैली में गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि वहाँ हिक्किम नाम का एक गांव है। उस गांव में जो पोस्ट ऑफिस है उसके बाहर एक बोर्ड बहुत सेल्फी पॉइंट वो बोर्ड बन गया है, लोग वहाँ जाके फोटो खिंचवाते हैं और उस पर लिखा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। वो जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस से भी हम लगभग 1000 मीटर और ऊपर हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1000 मीटर का मतलब हुआ लगभग 3000 फीट और ज़्यादा हम उससे ऊपर आ चुके हैं। वो लगभग 15000 फीट की हाइट पे है, हम 18,000 फीट से ऊपर की जो हाइट है वो उस हाइट पे हम लोग अभी हैं और ये लैंडस्केप से आप महसूस भी कर सकते हैं। 19000 फीट की हाइट में हम थे, 18,884 के करीब हम जो माणा पास है वो है और उसके आगे जो फिर हम बढ़ते हैं 200-300 मीटर आगे तो संभवतः वो 19,000 फीट के करीब वो आप उसको समिट कर लेते हैं। चाइना की तरफ फिर डाउन है, चाइना माणा पास से चाइना की तरफ फिर डाउन की तरफ चाइना का पूरा एरिया है और उनका भी ऐसी ही पूरा टेरेन ऐसी ही है। तो ये जो स्क्रीन पे आप लोग अभी देख रहे हैं यही बेहद खूबसूरत देवताल है। लगभग 18,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हिमालयन लेक्स है। हाँ राहुल, बिल्कुल भारत की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की जो मोरेन लेक्स होते हैं, ग्लेशियर जो लेक होते हैं, ये उनमें से एक है, बल्कि इनफैक्ट ये एक है, सबसे ऊपर है उनमें। और इतनी खूबसूरत है ये, अभी विजुअल्स में आप इसकी डिटेलिंग देखिएगा, आप लोगों ने फोटोज़ देखी होंगी पेंगोंग लेक की। हालांकि पेंगोंग बहुत बड़ी लेक है, आधी इंडिया में है और आधी 70% चाइना में है और 130 किलोमीटर का उसका क्षेत्रफल है और उनमें से केवल 35% इंडिया के पास है और बाकी जो बाकी का क्षेत्र बसता है वो चाइना के पास है। ये एक बहुत छोटी सी लेक है लेकिन बहुत खूबसूरत, ये कलर आप देख रहे होंगे और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज बहुत अच्छी लाइट और बहुत अच्छे मौसम के बीच यहाँ पहुँचे हैं। अदरवाइज सुबह बारिश हो रही थी तो आर्मी वाले भी जिन्होंने हमको परमिट किया ऊपर आने के लिए वो भी एक बार को ये कह रहे थे कि आप लोग अगर मौसम खराब होगा तो डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं क्योंकि इतनी हाइट पे यहाँ आप कोई हैबिटेट नहीं है, इससे पीछे अब और कुछ नहीं है। और जैसा हमने पहले भी बताया कि वो पीछे की जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं जिनका कलर थोड़ा अलग लग रहा है वो सारा का सारा जो एरिया है वो चीन का है। तो ये एकदम बॉर्डरिंग एरिया की एक लेक है, देवताल है और इसकी इस ज्योग्राफी के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति से भी जुड़ता है और इसकी धार्मिक मान्यताएँ भी हैं। मनमीत, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। ये बेसिकली जो माणा गांव है जो यहाँ का आखिरी एक बसासत है, उन गांव की ये आप यहाँ पे अगर पत्थर भी देख रहे होंगे के ऊपर एक रखे हुए हैं तो ये माणा गांव के लोगों ने अपने पितरों को पूजने के लिए ये यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होता है और 1962 से पहले हर साल माणा गांव के लोग यहाँ पे आते थे और अपने धार्मिक अनुष्ठान करते थे, पितरों को पूजते थे। लेकिन 62 की लड़ाई के बाद यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया और आखिरी साल यहाँ पे उनको फिर परमिशन दी गई कि यहाँ पे वो अपने पितरों को पूज सके। और पितरों, ये वो पितर हैं जो माणा गांव के लोग जब तिब्बत की तरफ व्यापार करने जाते थे, नीति घाटी के लोग, माणा घाटी के लोग और इवन कि जौहार के लोग भी, पंडित दयन सिंह रावत भी यहाँ से अपनी जब उन्होंने यात्रा की थी, तीन में से एक यात्रा उनकी माणा गांव से ये तिब्बत की तरफ उन्होंने यही रास्ता है। संभवतः हो सकता है कि पंडित नैन सिंह रावत ने इसी झील का पानी भी पिया हो, कुछ समय उन्होंने यहाँ पे अपना एक पड़ाव डाला हो। और पंडित नैन सिंह का बेसिकली ससुराल माणा गांव था, वहाँ पे जब वो अपने घर से आए थे तो माणा गांव में उनकी शादी हुई थी और उसके बाद एक लंबी यात्रा उन्होंने यहाँ से तिब्बत में की थी और वहाँ से वो ग्यानेमा मंडी और पूरन मंडी और ताकलाकोट भी गए थे। तो ये आप लोगों ने देखा
आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाया है दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स में से एक माणा पास। हम लोगों ने आपको माणा पास के विजुअल्स दिखाए। ग्रेफ का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी हाई जहाँ तक हमारी गाड़ी आई, उससे आगे जहाँ तक गाड़ी का जाना बहुत मुश्किल था, वो हमको ग्रेफ में अपने ट्रक में लेकर के गए बिल्कुल एंड पॉइंट तक, जहाँ तक वो सड़क जाती है, जहाँ तक उसके बाद वो पोस्ट भी हमने आपको दिखाई चाइना की, वो पोस्ट जिस पर एक तरफ वाइट कलर है एक तरफ रेड कलर है, वो आखिरी एरिया है जहाँ तक दोनों देशों के जो सैनिक हैं उनकी पेट्रोलिंग होती है। इंडियन आर्मी भी वहाँ पेट्रोल करने जाती है और चाइनीज़ आर्मी भी वहाँ पेट्रोल करने आती है। ये पूरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिएगा बारह मासा।